अभी हम लोग हैं नमो घाट पे और यहाँ पे देखिए रोली है और यहाँ भैया सब्सक्राइबर मिलियन मजे का। एक डब्बे में बैठे हैं चार लोग, अन्नू संपू और यहाँ पे है बुआ और मम्मी। ये सब भैया नकली ट्रेन एक मजा लेता है ना, हम पैदल ही पहुँच जाते हैं। दूरी राउंड घुमान 50 रुपये देख परे उतारा था, अच्छा नहीं लगा था, कम से कम 4 राउंड घुमाव। हेलो गाइस, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। गाइस अभी हम लोग हैं नमो घाट पे और यहाँ पे देखिए रोली है और यहाँ भैया सब्सक्राइबर मिलियन मजे कर। और अभी हम लोग जा रहे थे बोट राइड करने के लिए, पापा ने बोला कि जब आए हैं तो बोट पे भी राइड करते हैं। तो चलिए पहले जहाँ पे हाथ वगैरह बना है वो दिखा देते हैं हम आप लोगों को, और अंजलि को भी ट्रेन में बैठना है तो उस पर भी पापा बैठाएंगे, उसके बाद चलते हैं बोट में। और यहाँ पे भी सेल्फी हो रहा है, यहाँ पे मम्मी आज पूरा दिन नागिन बन के इधर उधर ऐसे ऐसे करती रह गई, तो यहाँ पे है आदर्श भैया और यहाँ पे है अंजलि आपके साथ भी। हाँ जरूर तो गाइस ये लोग देखो सब्सक्राइबर मिल गए, खीकी खीकी हाँ देखना ब्लॉग में आएगा आदर्श के चैनल। चलो फाइनली हम लोग आ गए हैं नमो घाट पे और यहाँ पे देखिए रोली पी रही है पानी और रोहित अभी ला के दिया। पप्पा अंजलि को बैठाने के लिए ट्रेन पे चले गए उधर आगे, जो कि छोटी छोटी ट्रेन चल रही है, जैसे ये कार है गाइस ये चल रहा है, ऐसे ही ट्रेन चल रही है। अभी देखते हैं कि किधर चले गए उसको टिकट लेने के चक्कर में। आओ चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और ये लील बग्घा बैठ के मिट्टी मजा लेते एकदम से ही मात ना के। चलो कलाकारों के साथ हमेशा रहा है, उनका स्नेह उनका तालियों से स्वागत हमेशा रहा है। तो प्रोग्राम चालू भैया, करता हूँ मैम से कि आप कार्यक्रम की प्रस्तुति स्टार्ट करो। पापा मम्मी और बुआ और अंजलि और अन्नू इधर ही कहीं चले गए आगे, इधर है पापा। हम सोचे टिकट हेरे थे यार तू यहाँ बैठा है, हम कहीं टिकट हेरे थे। अरे बाप रे अम्बानी सब ट्रेन में बैठ के अपना फ्लाइट हो रहा था, यही ना चले यहाँ देखा डबल डेकर बस बम्बई वाली भैया ऊपर छते बैठ घुमाए लड़कियन के। मम्मी बुआ अन्नु संपू चारों जन 3% चार्ज। इस एक डब्बे में बैठे हैं चार लोग, अन्नु संपू और यहाँ पे है बुआ और मम्मी। ये सब भैया नकली ट्रेन एक मजा लेता है ना, हम पैदल ही पहुँच जाते हैं, ये आप पैदल ही पहुँच जाते हैं हम लगे एकदम। पुल मार रेलगाड़ी रेलगाड़ी भैया भाई, अभी इन लोगों की ट्रेन रुक गई है। अरे कई राउंड भा तब बैठा रहा, कहाँ उतरा था के कहे दो राउंड थोड़ी उतर है बैठी रहा, दो राउंड बनाना दो राउंड 50 रुपया जिन बैठा जा भैया, जितनी गाड़ी ला गए ना कब बैठा जिन जा तू सब चूस लही। दो राउंड घुमान 50 रुपये देख परे उतारा था, अच्छा नहीं लगा था, कम से कम 4 राउंड घुमाव। अब तो लड़कियाँ सोचत रहा कब का करे ट्रेनिया, तब से उतार दे था ये कुल्हव हुआ मजा ना आएंगे। अब भैया नमो घाट पाए भैया कौनों गाड़ी में बैठे जिन जा भाई, भैया हमारे 2 चक्कर घुमा 50 रुपये ले लें, हम सब कितना दे भैया 200 रुपये ना, तब 200 रुपये 2 चक्कर। आओ आओ एक तो गाड़ी बैठा जिन मोटू पतलू हो चाहे बस हो चाहे जवन हो भैया, खाली खाली चूसे ही वाला काम। ब्रिज का नाम क्या है, दुर्गा कुंड खिड़किया घाट। हाँ खिड़किया घाट।
बाहर कितना भरी हो। कुकर स्टाफ अलग हो रहा है। हम लोग जाएंगे दशाश्वमेध घाट तक। अनु गाइस यहाँ पे है जो कि खड़ी होकर एकदम नाव में हवा ले रही है, और यहाँ पे है आकांक्षा, अंजलि आकांक्षा का नाम बहुत ही बार बार आता है। आकांक्षा मुंबई के यहाँ पे पापा, वहाँ पे है पुआ, पुआ भैया माँ डरा था, खड़ी ना आए होता। एक छोड़ू जी, हाँ नहीं के जान पौड़े ला गए हैं। और गाइस वहाँ पे है रोहित, अरे यार ऐसा चला है ये गाइस। मणिकर्णिका घाट गाइस यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। मरना, मर के बाद यहीं आना है। घमंड किस चीज का करें गाइस, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। बंद वो 27-22% तो गाइस फाइनली हम लोग वहां से रिटर्न हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं नमो घाट। वहां से अपनी गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग निकल जाएंगे। यह देखा अभी चल के लस्सी चाट, अभी और खर्चा कराना है कि नहीं। हमार तो थका ही लग गई, मोबाइल बंद हो गया, हम बंद हो वाला है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं तड़का में, और अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर। सब लोग देखिए लाइन से, और राजेंद्र भैया खाली पापड़ खाए हाथ धो ले रहे हैं, लेकिन सोचन खनो आए तब फिर से बैठ गया। अंजलि देखो आज घूम कैसा लगा, देख रहे हो पनीर दबा रही एकदम की। और ये तो आज के मेनू में है हांडी पनीर और कौन सा था कढ़ाई पनीर और आलू गोभी मटर
कुछ लोग गोभी नहीं खाते तो मटर खा गया था, आलू गोभी और दाल राइस बिरयानी भी आएगा। बाकी टेस्ट ओवरऑल अच्छा है, ये वाली कम अच्छी है, पता नहीं कौन सी है, ये अभी पूछेंगे। ये कढ़ाई पनीर है, एक्चुअली हम लोग वेज लोग हैं ना इसे। हाँ सच कह रहे हो, वेजिटेरियन लोग नहीं होते तो हम लोग करीम में जाते हैं नॉन वेज खाने। हाँ ये कौन सा था सब्जी और मंगा दिए अब हुआ। तो गाइस एक बाल्टी दाल अभी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी बाल्टी डाली के अकेले छानू कहते हैं हम पी नहीं आए, अब कि नहीं आए। रोहित एक कढ़ाई सब्जी खाए ना, और एक राइस ला दो। एक दो बाल्टी तो ऐसे ही पी नहीं दली ये तो यार। बस करो, इतना चावल नहीं उतनी ज्यादा गाड़ी ला दो। तो गाइस राजन भैया खा ले हैं, बोतली फोटो खींचा था, देख सकता आप सब। अच्छा वो खींचा था, होटल का ना, होटल का बॉटल का ना, होटल का, होटल का। अच्छा सोचे बॉटल का। और अंजलि खाए के एकदम ढेकरा था इन भैया, अच्छा छोड़ दें थाली में। देखा कह रहे ना मम्मी, अच्छा भाई खाता ही भैया, मम्मी हमें तो हाथ नहीं लगाया, सब खा ले हम, लेकिन इनका दोनों का कंपटीशन चला था आज। पापा चम्मच अंबानी ज्यादा खाई कि अंबानी बहु। हेलो गाइस, देखो हम लोग आधी रात को खाना बना रहे हैं। मैयो बेचारी ये सोई नहीं आई रात की, परेठा ले लेता ना माई जी रख बड़ा सास। तो यहाँ पे देखो गर्मा गर्म पराठा मैं बना रही हूँ, ये रहा, और इधर है आलू की भुजिया। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे इतना रात को हम लोग 3 बजे मतलब रात से हम सोई ना आई ना माई, माई तो 1 घंटा नहीं दूँ मारे बा। हम लोग गए थे बनारस, वहाँ से आई 12 बजे, तब आदर्श रोहित छत पे सब सो गए। अब हमको पता था हम सो जाएंगे तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सोए ही नहीं। तो अभी 3 बज रहा है तो अभी से ही बनाना चालू कर दिए, क्योंकि 6 बजे ही 5 बजे राहुल भैया घर से निकल जाएंगे, 6 बजे जौनपुर पहुँचना है और वहाँ से लेंगे लोकल ट्रेन, फिर बनारस जाएंगे, वहाँ से उनकी ट्रेन है। तो फटाफट यही हम लोग पराठा बना रहे हैं, मेरा पराठा भी फूल रहा है, रुको देख लेते हैं। यहाँ पे इतना सारा पराठा हम लोग ने